बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गाइज, आज का हमारा प्रोजेक्ट है एलईडी स्प्रिट लेवल विद एमपीयू 6050। तो चलिए शुरू करते हैं सर्किट डायग्राम से। तो ये हमारे पास सर्किट डायग्राम है। इसमें सबसे पहले हमने 9 वोल्ट की बैटरी यूज की हुई है पावर सोर्स के लिए। इसके बाद एक ऑन ऑफ के लिए स्लाइड स्विच यूज किया हुआ है। इसके बाद एक बजर यूज की हुई है। इसके बाद एक अडिनो नैनो यूज किया हुआ है। इसके बाद एमपीयू 6050 जैरो एंड एक्सेलेरोमीटर यूज किया हुआ है। इसके बाद एक ब्लू एलईडी यूज की हुई है। इसकी नेगेटिव डायरेक्ट ग्राउंड के साथ अटैच की हुई है और पॉजिटिव पे 100 ओम की रेजिस्टेंस सीरीज में यूज की हुई है, जो कि अडिनो की 9 पिन के साथ अटैच है। इसके बाद 4 रेड एलईडी यूज की हुई है, 4 येलो एलईडी यूज की हुई है, 4 ग्रीन एलईडी यूज की हुई है। रेड येलो ग्रीन एलईडीज को हमने मल्टीप्लेक्स डाटा के साथ यूज किया हुआ है। कॉमन कथोड, तो एलईडीज की नेगेटिव हमने कॉमन की हुई है, जो कि अडिनो की 2, 3, 4, 5 पिन के साथ अटैच हैं। इसके बाद रेड एलईडीज की पॉजिटिव भी हमने कॉमन की हुई हैं, येलो एलईडीज की पॉजिटिव हमने कॉमन की हुई हैं और ग्रीन एलईडीज की पॉजिटिव भी हमने कॉमन की हुई हैं। तो ग्रीन एलईडीज के लिए हमने 10 पिन निचलाइज की हुई है, जिसके ऊपर 100 ओम की रेजिस्टेंस सीरीज में यूज की हुई है। और येलो एलईडीज के लिए 11 पिन निचलाइज की हुई है और इसके लिए भी हमने 100 ओम की रेजिस्टेंस यूज की हुई है सीरीज में। इसके बाद रेड एलईडीज के लिए 12 पिन निचलाइज की हुई है, तो इनके लिए भी हमने 100 ओम की रेजिस्टेंस सीरीज में यूज की हुई है। तो ये थी हमारी सर्किट डायग्राम। चलिए आप डायग्राम के मुताबिक हार्डवेयर ज्वाइन कर लेते हैं।
वेलकम बैक। तो चलिए अब आपको कोड का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये हमारा कोड है, इसको अपने अडिनो आईडी पे ओपन कर लेना है। कोड सर्किट डायग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारा कोड है, इसमें सबसे पहले हमने कमेंट्स में MPU 6050 की जो पिने अडिनो के साथ अटैच होनी है ये बताई हुई है। इसके बाद वायर की लाइब्रेरी कॉल करवाई हुई है। इसके बाद MPU 6050 का I2C एड्रेस इनिशियलाइज किया हुआ है एक्सेलेरोमीटर के लिए। इसके बाद एक्सेलेरोमीटर एक्स की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है, वाई की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है और जी की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद कॉमन वन के लिए 2 पिन इनिशियलाइज की हुई है, कॉमन टू के लिए 3 पिन इनिशियलाइज की हुई है, कॉमन थ्री के लिए 4 पिन इनिशियलाइज की हुई है, कॉमन फोर के लिए 5 पिन इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद ब्लू एलईडी के लिए 9 पिन इनिशियलाइज की हुई है, ग्रीन एलईडीज के लिए 10 पिन इनिशियलाइज की हुई है, येलो एलईडीज के लिए 11 पिन इनिशियलाइज की हुई है, रेड एलईडीज के लिए 12 पिन इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद बजर के लिए 13 पिन इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद डिले टाइम की वेरिएबल है जो कि 4 के इक्वल की हुई है। इसके बाद L1 की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है, L2 की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है, L3 की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है, L4 की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद फ्लैग की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है जो कि 0 के इक्वल है। इसके बाद अवॉइड सेटअप है, अवॉइड सेटअप में सबसे पहले सीरियल बॉर्डर इनिशियलाइज किया हुआ 9600 बॉर्डर डेटा रेट पर स्पीड होता है। इसके बाद 4 कॉमन की पिने आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है, 4 एलईडीज की पिने आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद बजर की पिन भी आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद MPU 6050 के लिए वॉयल के लिए ब्रेरी कॉल हो रही है। इसके बाद 1000 मिली सेकंड डिले के बाद अवॉइड लूप में चले जाएंगे। अवॉइड लूप में सबसे पहले रीड एक्सेलेरोमीटर का फंक्शन कॉल हो रहा है जहां से हम वाई एक्स जी की वेरिएबल अपडेट कर रहे होते हैं। इसके बाद एलईडीज की फंक्शन में L1 की वेरिएबल कॉल हो रही है। इसके बाद कॉमन 1 की पिन पे लो राइट करवाया हुआ है। तो जैसा कि हमने एलईडीज कॉमन कैथोड यूज की थी तो L1 की वेरिएबल का जो भी स्टेटस होगा इसने कॉमन 1 की एलईडीज पे राइट करवा देना है 4 मिलीसेकंड डिले के लिए। इसके बाद कॉमन 1 की पिन को हाई किया हुआ है। इसके बाद एलईडीज के फंक्शन में L2 की वेरिएबल कॉल हो रही है और यहाँ पर हमने कॉमन 2 की लो की हुई है। तो यहाँ पर कॉमन 2 वाली एलईडीज पे L2 की वेरिएबल का स्टेटस राइट हो जाएगा 4 मिलीसेकंड डिले के लिए। इसके बाद कॉमन 2 की पिन भी हाई कर देंगे। इसके बाद एलईडीज के फंक्शन में L3 की वेरिएबल कॉल हो रही है और यहाँ पर हमने कॉमन 3 की पिन पे लो राइट करवाया हुआ है। कॉमन 3 वाली एलईडीज पे L3 की वेरिएबल का स्टेटस राइट हो जाएगा 4 मिलीसेकंड डिले के लिए। इसके बाद कॉमन 3 की पिन भी हाई हो जाएगी। इसके बाद एलईडीज के फंक्शन में L4 की वेरिएबल कॉल करवाई हुई है और यहाँ पर हमने कॉमन 4 की पिन पे लो राइट करवाया हुआ है। कॉमन 4 वाली एलईडीज पे L4 की वेरिएबल का स्टेटस राइट हो जाएगा 4 मिलीसेकंड डिले के लिए। इसके बाद कॉमन 4 की पिन भी हाई की हुई है। तो इसी तरह ये लूप रन होता रहेगा 4 मिलीसेकंड डिले के लिए। कॉमन 1 पे डाटा डिस्प्ले होगा 4 मिलीसेकंड डिले के लिए, कॉमन 2 पे डाटा डिस्प्ले होगा 4 मिलीसेकंड डिले के लिए, कॉमन 3 पे डाटा डिस्प्ले होगा 4 मिलीसेकंड डिले के लिए, कॉमन 4 पे डाटा डिस्प्ले होगा। तो ये डाटा इतनी फास्ट हो रहा होता है कि हमारी नजर को एलईडी स्टिल ऑन नजर आती है। बेसिकली ये पीछे से मल्टीप्लेक्स डाटा होता है, 4 मिलीसेकंड डिले पे शिफ्ट हो रहा होता है। इसके बाद रीड एक्सेलेरोमीटर का फंक्शन है जिससे हम MPU 6050 से एक्सेलेरोमीटर की वेरिएबल रीड करवा रहे हैं एक्स वाई जी। इसके बाद इन वेरिएबल्स को मैप किया हुआ है। तो ये वेरिएबल 0 से 180 डिग्री में -17,000 से +17,000 चेंज हो रही होती हैं। तो इन वेरिएबल्स को हमने मैप किया हुआ है 0 से 18। इसके बाद एक्स वाई जी की वेरिएबल अपडेट हो जाती है 0 से 18 तक। इसके बाद इन वेरिएबल्स को सीरियल पे प्रिंट किया हुआ है जो कि अभी हमने कमेंट्स में कर दिया हुआ है। अगर आपने ये डाटा सीरियल मीटर पे रीड करना होगा तो उस कंडीशन को प्रेस को अनकमेंट्स करके अपलोड करना है। इसके बाद एक्स और वाई की वेरिएबल पे हमने चेक लगाया हुआ है। अगर एक्स की वेरिएबल 8 से ओवर है और 10 से ड्रॉप है और वाई की वेरिएबल अगर 8 से ओवर है और 10 से ड्रॉप है, यानी कि एक्स और वाई की वेरिएबल 9 के इक्वल है, तो उस कंडीशन को प्रेस ने ब्लू एलईडी को हाई कर देना है। और साथ ही इसने फ्लैग की वेरिएबल को चेक करना है। अगर फ्लैग की वेरिएबल 0 से ओवर है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने फ्लैग की वेरिएबल में से 1 वैल्यू माइनस करते जाना है और बजर ऑन रहेगी। और जैसे ही फ्लैग की वेरिएबल 0 की इक्वल होगी तो इसने एल्स में चले जाना है और एल्स में बजर की पिन लो हो जाएगी। इसके बाद अगर एक्स की वेरिएबल 9 से ओवर जाती है या 9 से ड्रॉप होती है और वाई की वेरिएबल भी अगर 9 से ड्रॉप होती है या 9 से ओवर जाती है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने एल्स में जाना है। और साथ ही इसने फ्लैग की वेरिएबल को 20 के इक्वल कर देना है और ब्लू एलईडी को लो कर देना है और बजर की पिन भी लो कर देनी है। यानी कि जैसे ही प्लेड हमारी अनबैलेंस होगी तो उस कंडीशन के ऊपर इसने एल्स में जाना है और एल्स में जाने के बाद फ्लैग को 20 के इक्वल कर देना है और ब्लू एलईडी ऑफ हो जाएगी। इसके बाद बजर भी ऑफ हो जाएगी और जैसे ही दोबारा एक्स
और वाई की वेरिएबल 9 के इक्वल होंगी, तो उस कंडीशन के ऊपर इसने ब्लू एलईडी ऑन कर देनी है और साथ ही इसने फ्लैग की वेरिएबल को माइनस करते जाना है। जब तक फ्लैग की वेरिएबल 0 से ओवर है उस टाइम तक इसने बजर की पिन को हाई रखना है, और जैसे ही फ्लैग की वेरिएबल 0 के इक्वल होगी तो इसने पिन को लो कर देना है। तो जैसे ही प्लेट सेंटर में आ गई हुई है यानी कि बैलेंस हो गई हुई है, तो उस कंडीशन के ऊपर इसने बजर का इंडिकेशन देना है और थोड़े डिले के बाद बजर ऑफ कर देनी है। इसके बाद अगर एक्स की वैल्यू 8 से ड्रॉप होती है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने L1 की वेरिएबल को X की वेरिएबल के इक्वल कर देना है, और L1 की वेरिएबल अगर 6 से ड्रॉप होती है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने L1 की वेरिएबल को 6 के इक्वल ही रखना है, और अगर X की वेरिएबल 8 से ओवर जाती है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने else में जाना है और L1 की वेरिएबल को 0 के इक्वल कर देना है, यानी कि कॉमन 1 वाली LEDs ऑफ हो जाएंगी। इसके बाद अगर X की वैल्यू 10 से ओवर जाती है या 10 के इक्वल होती है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने X की वेरिएबल को L2 के इक्वल कर देना है, और L2 की वेरिएबल अगर 12 से ओवर जाती है तो इसने L2 की वेरिएबल को 12 के इक्वल ही रखना है। इसके बाद जैसे ही X की वैल्यू 10 से ड्रॉप होती है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने L2 की वेरिएबल को 0 के इक्वल कर देना है, यानी कि कॉमन 2 वाली LEDs भी ऑफ हो जाएंगी। इसी तरह ही Y की वेरिएबल पे भी ड्रॉप पे चेक लगाया हुआ है जिसे हम L3 की वेरिएबल अपडेट कर रहे हैं, और प्लस पे चेक लगाया हुआ है जिसपे हम L4 की वेरिएबल अपडेट कर रहे हैं, और इसके बाद ये वेरिएबल सीरियल पे प्रिंट की हुई है और अभी हमने इनको कमेंट्स किया हुआ है। अगर आपने अनकमेंट्स करके अपलोड करेंगे तो ये इसने L1, L2, L3, L4 की वेरिएबल सीरियल पे राइट कर देनी है। इसके बाद LEDs का फंक्शन है जिसपे हम L1, L2, L3, L4 की वेरिएबल कॉल करवा रहे थे, जो भी वहां से हम वैल्यू कॉल करवाते हैं वो X के इक्वल हो जाती है, और यहाँ पर हमने X की वेरिएबल पे स्विच लगाया हुआ है। अगर X की वेरिएबल 0 के इक्वल होती है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने 0 का फंक्शन कॉल करवाना है, अगर 10 के इक्वल होती है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने 1 का फंक्शन कॉल करवाना है, अगर 11 के इक्वल होती है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने 2 का फंक्शन कॉल करवाना है, अगर 12 के इक्वल होती है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने 3 का फंक्शन कॉल करवाना है, अगर 8 के इक्वल होती है तो उस कंडीशन के ऊपर भी इसने 1 का फंक्शन कॉल करवाना है, अगर 7 के इक्वल होती है तो उस कंडीशन के ऊपर भी इसने 2 का फंक्शन कॉल करवाना है, अगर 6 के इक्वल होती है तो इस कंडीशन के ऊपर इसने 3 का फंक्शन कॉल करवाना है। इसके बाद 0 का फंक्शन है, तो इसमें हमने ग्रीन, येलो, रेड एलईडीज की पिन पे लो राइट करवाया हुआ है, और 1 के फंक्शन के अंदर हमने ग्रीन एलईडी पे हाई राइट करवाया हुआ है, येलो और रेड पे लो राइट करवाया हुआ है। इसके बाद 2 के फंक्शन के अंदर हमने ग्रीन, येलो एलईडीज पे हाई राइट करवाया हुआ है और रेड एलईडी पे लो राइट करवाया हुआ है। इसके बाद 3 का फंक्शन है, तो इसमें हमने ग्रीन, येलो, रेड तीनों एलईडीज पे हाई राइट करवाया हुआ है। तो ये था हमारा कोड, चलिए अब इसको आर्डिनो में अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने टूल्स में जाना है, टूल्स में जाने के बाद बोर्ड सेलेक्ट करना है, बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद दोबारा फिर टूल्स में जाना है, तो यहाँ से अपने पोर्ट सेलेक्ट करनी है, पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अपने कोड अपलोड कर देना है। डन अपलोडिंग, कोड हमारा अपलोड हो गया हुआ है। तो चलिए अब आपको हार्डवेयर का ओवरव्यू दे देता हूँ।